हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, सॉरी क्लास सेवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर सिक्स का फोर्थ पार्ट। इससे पहले हम लोग वीडियो का तीन पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, और जिसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारा चीज़ समझ चुके होंगे। ओके, एक दो चीज़ मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप लोगों का रिस्पॉन्स रेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, खास करके गर्ल्स सेक्शंस और बॉय दोनों का ही, हम एक ही का क्यों बोले, दोनों का रिस्पॉन्स रेट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इससे अच्छा है कि हम वीडियो आपको बना के ही ना भेजें। आप लोग जब इतने समझदार हो, खुद ही समझ जाते हो, तो फिर वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग लेकिन एकदम कोई रिस्पॉन्स नहीं आपका क्लास में। और ख़ास करके मैं पिछले क्लास में देखा कि कोई भी नोट्स नहीं मेरे पास आया, एक भी बच्चे का नोट्स इस चैप्टर का नहीं आया। जो बच्चे पढ़ते हैं उनका भी नहीं आया, जो नहीं पढ़ते हैं उनका तो आता ही नहीं है कभी, उनका तो मामला ही अलग है ना। ऐसे चलेगा बाबू तो नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ मैं समझता हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि आप लोग वीडियो को दो बार देखेंगे, तो वीडियो का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, यानी कि 25-26 मिनट के आसपास का वीडियो था। आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी हो गया होगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का समय नहीं मिला होगा, लिखने का समय नहीं मिला होगा। तो मैं आज से सोचा हूँ कि ये वीडियो मैक्सिमम 15 से 16 मिनट का मैं बनाऊँगा, और उसको आप लोग दो बार देखेंगे, यानी कि लगभग लगभग आधे घंटे में आप लोगों का वीडियो समाप्त हो जाएगा, और देन आप लोग उसके बाद क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग आज से फॉलो करेंगे। 15-16 मिनट का वीडियो रहेगा, छोटा छोटा टॉपिक रहेगा, उसको हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। आप ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ यूजिंग एट्रीब्यूट्स। और एट्रीब्यूट्स क्या होता है ये सब आप लोग अच्छे तरीके से जान चुके होंगे, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था। अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हो तो एक बार पिछला वाला जो हमारा वीडियो था उसको जाइए, उसको फिर से देखिए और क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये वीडियो अगेन हम लोग चाहते हैं देखना, जो पिछला वाला वीडियो था, तो एक दिन का मैं आपको ब्रेक भी दूंगा, यानी कि आप लोग उस वीडियो को पहले देखिए, उसका डाउट क्लियर कीजिए। मैं एक दिन वीडियो नहीं सेंड करूंगा, सारा डाउट क्लियर करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर पहले का डाउट से चैप्टर में रहेगा तो फिर आगे पढ़ा पाना असंभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप आगे पढ़ पाओगे। आगे जाके आपका प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगा, है ना। आप सारे बच्चों को मैं कुछ कुछ कोड दूंगा, आप कॉपी पे या फिर लैपटॉप पे रन करा के दिखाओगे, तभी जाके मैं इसको सही मानूंगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रूल्स ऑफ यूजिंग एट्रीब्यूट्स, ये रहा हमारा टॉपिक। और यहाँ पे हम लोग जब भी एट्रीब्यूट्स को लिखेंगे यानी कि यूज करेंगे, तो वहाँ पे हमारा कुछ कुछ रूल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड इन द ओपनिंग टैग। एट्रीब्यूट जो हमारा होता है हमेशा ओपनिंग टैग में ही डिफाइन किया जाता है। अब ओपनिंग टैग क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। जैसे कि हमारा ओपनिंग टैग बॉडी हमारा एक तरह का टैग है। बॉडी जैसे ही खुलेगा तो बॉडी बंद भी होगा, बंद करने के लिए हमारे पास स्लैश है, ठीक है। स्लैश से बंद होगा तो हम लोग स्लैश वाले में कोड नहीं लिखेंगे। ये जो हमारा मान लेते हैं बीजी ब्लू कलर लिखा, ब्लू लिखा हुआ टेक्स्ट ब्लू और बीजी कलर जो आपका लिखा हुआ है, तो ये बॉडी जो हमारा टैग है उसका एट्रीब्यूट है। तो जिस टैग का जो एट्रीब्यूट होगा उसी टैग के अंदर में हम लोग लिखेंगे, ओके, समझ गए। तो बॉडी के अंदर में हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब हमेशा एट्रीब्यूट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं ओपनिंग टैग के अंदर में। ओपनिंग टैग हमारा बॉडी है, तो बॉडी के अंदर में आप देख रहे होंगे टेक्स्ट ब्लू और बीजी कलर इक्वल्स टू ब्लैक, यहाँ पर डिफाइन किया गया है बाबू, ठीक है। अगला जो हमारा रूल है उसको ध्यान से देखिएगा, मेक श्योर टू क्लोज द टैग। आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप अपने टैग को क्लोज जरूर करोगे। अगर टैग को क्लोज नहीं करोगे तो एट्रीब्यूट्स का जो इफेक्ट होगा, यानी कि मान लेते हैं एट्रीब्यूट्स का इफेक्ट क्या है, बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर, ठीक। तो बैकग्राउंड कलर पीछे मतलब जितने भी उसके नीचे जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वहाँ जाके फ्लो कर जाएगा, यानी कि उसमें भी वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि हम लोग जो टैग में जो भी हम लोग लिखेंगे एट्रीब्यूट्स वगैरह लिखेंगे, उस टैग को हम लोग क्लोज एकदम मैंडेटरी है उसको करना, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट को आप लोग लिखेंगे और आगे एक दो पॉइंट और होगा उसको भी लिखेंगे, ठीक है। कीप अ स्पेस बिटवीन द टैग नेम एंड द एट्रीब्यूट। अब टैग नेम और एट्रीब्यूट के बीच में स्पेस होना चाहिए, याद रखना है। यानी कि टैग नेम क्या है हमारा बॉडी, और टैग एट्रीब्यूट क्या है इसका
बॉडी टैग का एट्रीब्यूट क्या है, टेक्स्ट। तो इन दोनों के बीच में यहाँ स्पेस होना मैंडेटरी है, अगर स्पेस नहीं होगा फिर काम नहीं करेगा। और आगे ध्यान दे रहा है, लीव नो स्पेस बिटवीन द एट्रीब्यूट नेम और इक्वल टू साइन। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे एट्रीब्यूट नेम क्या है हमारा, टेक्स्ट, और इक्वल टू साइन के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। और जो वैल्यू होगा यानी कि इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है, जैसे कि ब्लू लिखा हुआ, उसके बीच में भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पेस डालोगे तो वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, वो एरर जनरेट करेगा, यानी कि अपना इफेक्ट दिखाएगा नहीं। टेक्स्ट इक्वल टू ब्लू है तो ब्लू होगा ही नहीं टेक्स्ट। तो ये याद रखना है कि टैग नेम और एट्रीब्यूट के बीच में एक स्पेस होगा, लेकिन एट्रीब्यूट्स इक्वल्स टू और एट्रीब्यूट्स का वैल्यू है ना, वैल्यू जो भी एट्रीब्यूट्स का होगा, जैसे कि टेक्स्ट का वैल्यू ब्लू है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, ध्यान रखना है। यहाँ पे नीचे भी समझाया गया, मैं फिर से समझा देता हूँ। दिया गया बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू रेड, ठीक है। तो बॉडी और बीजी कलर के बीच में स्पेस होगा, स्पेस देना ही होगा, आपको नहीं देंगे तो यहाँ गड़बड़ है। अब आता है बीजी कलर के बाद इक्वल्स टू और यहाँ रेड, ये दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर इसके बीच में स्पेस होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल्स टू रेड दिया गया और ये सेमी कॉलन में दिया गया है, सॉरी डबल कोट्स में दिया गया है। तो डबल कोट्स में बाबू हम लोग वैल्यू डायरेक्ट देते हैं, ठीक है। रेड कलर का नाम है हमारा, तो हम हमेशा जो भी नाम हमारा होगा अंदर में, जैसे कलर का नाम हो गया, टेक्स्ट का नाम हो गया, एट्रीब्यूट्स बोल रहे हैं, अलग अलग तरह के जो हमारे वैल्यू होंगे उसको हम लोग हमेशा डबल कोट्स में देंगे, जो वैल्यू होगा हमारे हमेशा डबल कोट्स में देंगे, समझ गए। तो इस पहला हमारा टैग नेम और एट्रीब्यूट्स के बीच में एक स्पेस होगा, और एट्रीब्यूट्स इक्वल्स टू और वैल्यू, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऊपर वाले तीनों पॉइंट लिख लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ भी कुछ पॉइंट्स है उसको मैं बता देता हूँ। अब कहता है स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट्स आर इनक्लोज इन डबल कोट्स, ठीक है, वेयर एज यू नीड नॉट टू इनक्लोज न्यूमेरिक वैल्यू इन डबल कोट्स। अब आपको स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू हमारा जैसे कि अल्फाबेटिकल हो है ना, उसको हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू बोल सकते हैं। जैसे कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू की ही बात करें, अगर स्ट्रिंग वैल्यू इसी वर्ड को हम ले लें, तो इस वर्ड को अगर डायरेक्ट हम लोग इसमें लिख देंगे, HTML में लिख लेंगे, तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें जैसे ही हम लोग डबल कोट्स यहाँ लगा देंगे, यहाँ भी डबल कोट्स लगा देंगे, तो ये हमारा स्ट्रिंग वैल्यू हो जाएगा और ये हमेशा डबल कोट्स में रहेगा, ये आपको पता ही है। लेकिन अगर हम लिख देते हैं 1, 2 और 3, इसको हम लोग को डबल कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो डबल कोट्स में नहीं रहेगा, लेकिन जो हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग मैंने कि अल्फाबेटिकल वैल्यू होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम 1, 2, 3 को डबल कोट्स में लिख देंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3 को अगर आप डबल कोट्स में लिख देंगे तो वो भी एज ए स्ट्रिंग माना जाएगा, यानी कि वो उसको भी एज ए स्ट्रिंग वैल्यू वो हमारा प्रोग्राम जो है ट्रीट करेगा, वैसे ही उसको समझेगा, तो आपको उस तरह से रिएक्ट करके देगा, ठीक है, समझ गए। और अगला पॉइंट जो हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, यू कैन यूज मोर देन वन एट्रीब्यूट्स इन अ टैग बाय प्रोवाइडिंग स्पेस इन बिटवीन देम। आप चाहो तो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो एक ही टैग के अंदर में। एक हमारा बॉडी टैग था, उसके अंदर में हम लोग एक से ज़्यादा भी टैग का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पेस प्रोवाइडिंग स्पेस बिटवीन देम, यानी कि दोनों के बीच में एक स्पेस देके हम लोग वहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका एग्जांपल में जो बापू दिया हुआ है, इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक दिया हुआ है, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो यहाँ पे एक कॉमा होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉमा रहेगा, उसके बाद स्पेस रहेगा, देन नेक्स्ट वैल्यू रहेगा। मैं इसको समझा देता हूँ अगेन, जो भी आपके एट्रीब्यूट्स होंगे, यानी कि हम लोग पहले एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, एक एट्रीब्यूट था ना बीजी कलर था ना, तो इसके अलावा हम लोग एक और एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं, उसके बाद भी एक और लिख सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो वही एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, बॉडी जो कि हमारा टैग है उसके बीच में स्पेस है, और ये हमारा क्या है, बॉडी टैग का एट्रीब्यूट्स है जिसको हम लोग बीजी कलर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे इक्वल्स टू इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, फिर इक्वल्स टू के बाद भी कोई स्पेस नहीं है, और डबल कोट्स में हमारा रेड स्ट्रिंग वैल्यू है जो पास किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा छूट गया था तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा दिया हूँ, एक कॉमा यहाँ पे हो गया, उसके बाद एक स्पेस यहाँ पे स्पेस होगा, स्पेस को मैं इस तरह के लाइन से डिफाइन कर दे रहा हूँ, यहाँ भी एक स्पेस है, ठीक है, दो जगह स्पेस है,
अब यहाँ पे फिर इक्वल्स टू वगैरह में कोई स्पेस नहीं, यहाँ पे इसका वैल्यू दिया गया, समझ गए। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे, द पर्पज ऑफ अ वेब ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज ऑफ विंडोज 10, मोजिला फायरफॉक्स etc. इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम एज वेब पेजेस। अब जो हमारे वेब ब्राउजर्स है जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज या जो भी तरह हमारे वेब ब्राउजर्स हैं, इसका काम क्या है कि HTML डॉक्यूमेंट्स को रीड करना, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट्स को अपने में रीड आउट करना, पढ़ना, वो काम सिस्टम का, हमारा काम नहीं, ठीक है। और उसको वेब पेज के रूप में रिप्रेजेंट करके आपके आगे प्रेजेंट कर देना, यानी कि उसको वेब पेज बना के आपके आगे दिखा देना, ठीक है। द ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स, जो हमारा ब्राउजर है वो HTML टैग को कभी डिस्प्ले नहीं करता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बट यूजेज द टैग्स टू इंटरप्रेट द कंटेंट ऑफ द पेज, लेकिन ये टैग को यूज करता है पेज को इंटरप्रेट करने के लिए, यानी कि जो भी टैग हम लोग लिखेंगे उसको इंटरप्रेट करा के आपके आगे टैग के अंदर जो लिखेंगे वो प्रेजेंट कराता है, ओके। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक विकिपीडिया का पेज खुला हुआ है, ठीक। इस विकिपीडिया के पेज में चार्ल्स बैबेज, जो कि कंप्यूटर के फाउंडर माने जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं, उनके बारे में कुछ डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो डिस्प्ले कैसे हो रहा है, इसके अंदर में इतने सारे ये जो हमारे कोड्स हैं, आप लोग अपने बुक में एक बार चेक कर लेंगे, इसमें क्लियर कट नहीं दिख रहा है, ये जो कोड्स लिखे गए हैं इसके लिए लिखे गए, इतने सारे कोड्स आपको भी लिखने पड़ेंगे, है ना। और यहाँ पे आपको दिख रहा है टू स्टार्ट विथ HTML, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML के साथ, और HTML का बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं अगले क्लास में पढ़ाऊँगा, आज के क्लास में मैं इतना कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, ये फ्रेश क्लास में फ्रेश तरीके से मैं स्टार्ट करूँगा, और कैसे HTML का कोड लिखा जाता है ये हर चीज़ मैं आपको अगले क्लास में लिख के दिखाऊँगा, रन करा के दिखाऊँगा, जैसे मैं पिछले क्लास में प्रैक्टिकली भी करके बताया करता था उसी तरह से आपको करके दिखाऊँगा, ओके। तो इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही रखने देते हैं, लगभग 13 मिनट का वीडियो आपका हो चुका है ना। तो इस वीडियो को दो बार आप लोग देखेंगे, दो बार देखने के बाद फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो, आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे और जो कुछ भी इसमें मैं कुछ रूल्स मैंने बताए, ये पाँचों रूल जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाँचों रूल लिख के आप लोग दिखाएंगे, ठीक है ना। इससे पहले आप लोगों का जो पहले वाला होमवर्क था वो भी चेक कराएंगे, सारा कुछ चेक कराएंगे, उसके बाद ही हम लोग प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ेंगे, ओके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।